वाली बाल की बनाएगी, या तो मीठी वाली खाएंगे या तो फिर वेलकम टू माई चैनल क्लाइम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, खाना बन रहा है और मैं सोचा कि मैं अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। एक बार मेरा वीडियो स्टार्ट हो जाता है ना तो फिर पूरे दिन जो भी करना होता है थोड़े बहुत शूट कर लेना होता है। और आज ना मेरा सर दर्द कर रहा है क्योंकि रात में इतनी बार आँख खुली पता नहीं क्यों बार बार झटके से आँखें खुल जा रही थी। और एक बार आँख खुल जा रही थी तो आधे आधे घंटे तक सोचो नींद नहीं आ रही थी। और इस वजह से ना फिर मेरा सर एकदम पूरा भारी भारी सा अजीब अजीब सा लग रहा है। और मेरी आवाज़ से भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो खैर आवाज़ का तो ऐसा रहता है कि सुबह आप सोकर उठो तो थोड़ा भारी रहती है, लेकिन सर मेरा बहुत फट रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर नहीं ठीक होगा तो टेबलेट भी खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वैसे ठीक भी नहीं होता है। और अभी गर्मी भी इतनी ज़्यादा है ना, तो मे भी इसी वजह से गर्मी और वो बार बार आँख जो खुल रही थी ना सब मिक्सअप हो गया है। आज मैं बना रही हूँ आलू वड़ी की सब्ज़ी। तो सबसे पहले प्याज को भुना है, इसके बाद मटर डाल करके उसको भी भून लिया है, फिर इसके बाद मसाले डाल दिए हैं और अभी टमाटर को अच्छे से भून करके फिर इसमें आलू और वड़ी डाल देना है और इसके बाद पानी डाल देना। तो यहाँ ना ऐसी वाली सब्ज़ी सबको बहुत पसंद है तो हर दूसरे दिन बनती रहती है। शाम का टाइम है और मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सो करके उठी हूँ। उदयन भी अभी सोकर उठा और देखो वो अपने कपड़े हटा रहा है, उसको है कि इनको उतारो और मुझे नए नए कपड़े पहनना है। तो अभी आजकल ना ये कपड़ों में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसको पुराने कपड़े और नए कपड़ों की इतनी ज़्यादा समझ हो गई ना कि घर में भी बहुत इरीटेट करता है। हर टाइम बोलेगा, अलमारी से निकाल निकाल करके कपड़े फेंक देता है कि मुझे ये नए नए कपड़े पहनाओ। तो बच्चे जब थोड़ा सा इस एज में आते हैं ना तो बहुत परेशान करते हैं कुछ बच्चे कपड़ों में। तो इसका भी स्टार्ट हो गया, नए नए कपड़े ही इसको दिन भर पहनने होते हैं। तो मैंने भी फेस वॉश किया था, अभी मैं क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ फिर इसके बाद चलते हैं। आज गोलगप्पे बनाना है तो उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। शाम के 5:30 बज रहे हैं और आज ना मैं गोलगप्पे बना रही हूँ। गोलगप्पे मतलब गोलगप्पे बाहर के हैं, बस पानी और आलू। तो आलू मैंने बॉयल कर लिया है, किसने बंद कर दिया, किचन में बहुत गर्मी है भाई साहब। आलू बॉयल कर लिया है और बस पानी बनाना है। और नीचे आओ उदयन, थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है आलू में, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। शाम के 6:30 बज रहे हैं और देखो मुझसे मिलने कौन आ गया है, मेरी सब्सक्राइबर ही आप समझ सकते हो क्योंकि मेरे बहुत पहले से ये वीडियो देख रही हैं और इनके कमेंट्स आते ही आते हैं मेरे वीडियो में, शोभा दुबे करके आपने देखा भी होगा। तो ये अभी इस टाइम पे मायके आई थी, इनका मन था मेरे से मिलने का, तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है मिल लेते हैं। चलो आप तो ये दादी का है ना, आप यार इनकी नजर चली है। बेटा आप हटो, ये दादी का है ना, आप अपना खा चुके हो। मजा आई? देख प्लीज हां, घर खेलने के चक्कर में पड़े लो। जूस नहीं, इसको नहीं जरूरी डाल दो। ये लो तुम अपना, ये लो अपना गरम ठंडा सब। अच्छा रुको मैं थोड़ा सा दे दो इसको। उसी तरह गिलास में दो और यार बहुत बढ़िया बना देते हो, बहुत महंगा तुम्हारा भी। हाँ बहुत बढ़िया बन रही है चाट, मत छोड़ यार।
अभी भी मम्मा खिलाएंगे सबको भी खास। ये इसको सबसे आलू के साथ ही खाता है। वही तो हम लोग यहाँ बच्चे भी छोटे तो मीठी वाली फुल्की मंगाया चावल बाल के बनाएंगे या तो मीठी वाली खाएंगे या तो फुल हम तो क्या करते हैं समझती हो हम वही रेडीमेड वाली मंगा रखते हैं हमारी जो रोज होती है। अच्छा तो हम रात के भी 7:30 बज रहे हैं और जो आई थी ना आंटी वो चली गई हैं सुबह आंटी। तो बहुत अच्छा लगा मिल करके उनसे, फर्स्ट टाइम ही मिली हूँ बट ऐसा लगा नहीं बहुत, मतलब ऐसे बहुत कंफर्टेबल थे वो भी हमारे साथ और हम भी उनके साथ। 1.5-2 घंटे तक थी और बिल्कुल भी ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या अननोन है ऐसे वैसे करके। तो बहुत दिन से, बहुत मुझे लग रहा है स्टार्टिंग से वो मेरे वीडियोज वगैरह देखती हैं और कमेंट भी वो मुझे रेगुलर करती हैं। बीच में थोड़ा सा कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी तो उन्होंने 2-4 महीने नहीं वीडियो वगैरह भी नहीं देखती थी, कमेंट्स वगैरह भी नहीं, बट अभी फिर कमेंट्स वगैरह भी करती हैं। तो वो भी यहाँ मायके आई थी ना बेती में, उनका मायका है तो उनका ऐसा था कि मुझे मिलना है प्राची से, तो कमेंट्स भी उनके कई सारे, शोभा दुबे करके है आईडी उनकी, तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते रहते हैं। आप में से अगर कमेंट्स मेरे देखते होगे ना तो देखा ही होगा उनकी आईडी। तो आज फिर आई मिलने और कल पापा से भी मतलब ऐसा था, यहाँ जो मतलब उनके भाई लोग हैं ना जो मायके की फैमिली है सब यहाँ जानते हैं घर में, और जो उनके भैया है ना वो यहाँ एसी वगैरह या फिर कुछ बैटरी वाला काम कुछ वैसे होता है ना तो फिर वही सब करते हैं, तो बहुत अच्छे से जान पहचान भी है। बट मुझे नहीं पता था कि ऐसे ऐसे मतलब है जान पहचान में भी, मुझे तो बस था कि हाँ कोई है सब्सक्राइबर मेरे वीडियो देखते हैं और अच्छा लगा लेकिन मिल करके। तो फिलहाल अभी मैं चल रही हूँ और ना पता है हाँ बहुत सारे ना रिलेशन भी उनसे निकल आए, बात करते करते ना पता नहीं कहाँ कहाँ से रिलेशन भी निकल आए हैं, छोटी वाली चाची के मायके साइड से भी, मेरी बीच वाली जो बुआ है उनके ससुराल में भी यहाँ है ना बबुल्लापुर मेरी बुआ का ससुराल, वहां से भी कुछ उनका है मतलब कोई वही ब्याही है उनकी शादी हुई है, और मेरी जो बहन यहाँ शादी हुई है कुंडा में उनकी भी मतलब सास की आई थिंक कजिन सिस्टर है ये। तो ऐसे ऐसे करके ना मतलब आज ही मुझे पता चला उनसे मिलने के बाद कि बहुत सारे रिश्ते भी निकल आए हैं, तो जो भी है बट बहुत अच्छा लगा मिल करके। तो मैं चल रही हूँ गोलगप्पे बनाना है तो चलते हैं किचन में लग जाते हैं, पानी और आलू का जो मिक्सचर है ना वही बनाना है। पानी मैंने बना लिया है एकदम मार्केट स्टाइल का, मैंने पानी बनाया है, देखने में ही इतना ज्यादा टेस्ट लग रहा है।
मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ, धनिया पत्ता डालूंगी इसमें और इसको अच्छे से चला देंगे। अब इसका आलू तैयार कर लेती हूँ। पानी तो तैयार हो गया, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, बहुत थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा नमक डालूंगी। सारा आइटम तैयार हो गया है। मार्केट से हम लोगों ने गोलगप्पे मंगाई लिए थे हम लोगों ने, और साथ में है ये पानी जो मैंने बनाया, और प्याज भी है, और साथ में ये मैंने आलू भी तैयार कर लिया है। तो ये हमारी गोलगप्पे वाली पार्टी होने वाली है, आपको दिखा दूँ।